ये 900 में पड़ेगा आपको और इसमें बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, आप देख सकते हो। क्या बजी? भैया इसका प्राइस क्या रहे? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस बार मैं फिर से आ गई हूँ लॉ गार्डन, क्योंकि आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहता है मेरे इस वाले वीडियो में और नवरात्रि भी नज़दीक आ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं बस लॉ गार्डन का न्यू कलेक्शन, जो लेटेस्ट कलेक्शन चल रहा है, वो मैं आपको दिखा दूँ। तो बस वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और इस बार मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी लेने के लिए ट्राई किया है। सो बस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो मैं आ गई हूँ यहाँ पहले स्टॉल में, जो स्टार्टिंग में यहाँ पे ज्वेलरी का बहुत ही सारे स्टॉल लगते हैं ऐसे, तो यहाँ पे बहुत सारी इयरिंग का कलेक्शन था और सबकी रेंज अलग अलग थी। छोटी थी वो 100, 150, 200, 250 तक यहाँ पे पूरा कलेक्शन रहता है, मतलब जैसा वर्क और वो होता है, हैवी होते हैं तो वो थोड़े 150-200 तक में आपको मिल जाएंगे। और जैसे जैसे नवरात्रि नज़दीक आ रही है तो ये लोग बार्गेन भी अभी कम करते हैं, क्योंकि मतलब पता है कि हम लोग लेने ही वाले हैं अभी, तो मतलब बार्गेन बहुत ही कम करते हैं। इनका अभी फिक्स रेट जैसा हो चुका है मोस्ट ऑफ सारे स्टॉल पर आपको यूनिकनेस बहुत ही मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए ईयरिंग्स, हाफ ईयरिंग्स ऐसे शेप में, और आपको ऐसे बीट्स में चाहिए जो इंस्टाग्राम पे अभी हम फोटोज़ देखते हैं ये सारी ईयरिंग्स के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे वाइट में, ब्लैक में, सारे जैसे कि आपको मल्टी कलर में चाहिए, मिरर वर्क में चाहिए तो भी आपको मिल जाएंगे। और देखिए ये थोड़ी अफगानी ज्वेलरी जो आती है उस पैटर्न में थी, फिर कॉडी वाले जो नवरात्रि में हम पहन पाए और वेस्टर्न पे भी इसको अच्छे से हम पेयर कर सकते हैं, तो मुझे ये मल्टी कलर वाला बहुत ही अच्छा लगा था। सो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट रेंज में ईयरिंग्स मिल रही थी। तो ये चकली वाला जो सर्कल है लॉ गार्डन का, एग्जैक्टली उसके सामने ही स्टॉल लगता है इनका, और वहाँ पे बहुत सारे 4-5 स्टॉल है ईयरिंग्स के। फिर ऐसे बैंगल्स भी रखते हैं वो, और साथ में चोकर है, सेट है, लॉन्ग सेट है, सब कुछ रखते हैं। देखिए ऐसे सब कुछ है, मतलब इसमें भी मिरर वाले भी आते हैं, घुंघरू वाले आते हैं, फिर अफ़गानी ज्वेलरी जो सेट आते हैं वो है, तो मतलब वैरायटी तो आपको यहाँ पे भर भर के मिल जाएंगी। बस आपको थोड़ा बहुत जितना वो बार्गेन कर सके उतना करवाना है। वैसे तो वो ज़्यादा करते नहीं हैं अभी क्योंकि उनका सीज़न आ गया है, तो बट फिर भी आप अपना ट्राई कर ही सकते हो। तो ये मार्केट खुल जाता है सुबह 11:30 बजे और रात को 10-11 बजे तक खुला रहता है। फिर आपको ऐसे छतरियाँ चाहिए तो भी मिल जाएगी, ये आपके एथनिक लुक के साथ अब अगर आप नवरात्रि में इसको लेके घूमोगे तो आप बिल्कुल अलग लगोगे, अच्छे लगोगे। फिर यहाँ पे फिर से मुझे ज्वेलरी का स्टोर दिख गया था, बट मतलब कुछ डिज़ाइंस हर जगह रिपीट होती है, आप मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए तो आपको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ गया होगा। आना किला से 700 बोल रहे हैं इसका, और फ्लेयर कितना आएगा इसका? 10 मीटर। और ये 900 वाला है, ये 900 में पड़ेगा आपको और इसमें 10 मीटर पूरा फ्लेयर आएगा। एक हाथ से मैं बता भी नहीं सकती, बहुत ही बड़ा घेरा है इसका और एकदम कलरफुल है, जो नवरात्रि में पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप आओ तो ये चकली वाला जो सर्कल है यहाँ से इनका पहला ही स्टॉल है, और देखिए बहुत ही सारे चनिया चोली अवेलेबल है, सेट वाइज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और ऐसे आपको अलग से घाघरे चाहिए तो भी आपको मिल जाएंगे, बाकी यहाँ पे पीस लगाए हुए ही है। देखिए आपको मल्टी कलर में अगर चाहिए तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, आप देख सकते हो इसमें मिरर वर्क किया हुआ है पूरे में, और ये भी 10 मीटर का पूरा घेर रहेगा। इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं, देखिए आपको अगर ये कलर में जाना है प्लेन में तो भी आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आप थोड़ा हैवी वाला वर्क वाला मतलब दुपट्टा ले लोगे, बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए मल्टी कलर में है ये, और ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया, शायद मैं सोच भी रही हूँ कि मैं इसको ले लूँ। देखते हैं आगे पूरा मार्केट आज हम फिर से एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए। 100 रुपीज़ प्राइस बोल रहे हैं, देखिए बहुत ही प्यारे झुमके हैं। मल्टी कलर में चाहिए तो मल्टी कलर में भी मिल जाएंगे, और सिर्फ ऑक्सीडाइज में चाहिए तो भी बहुत सारे। और सेट का क्या प्राइस रहेगा भैया? 250 से स्टार्टिंग है, सो पूरा ऑक्सीडाइज का कलेक्शन है, आप देख सकते हो।
दोस्तों बीच में आपको ऐसे स्टॉल भी मिल जाएंगे जहाँ पे बड़ी इयरिंग्स है वो 40 वाली है और छोटी है वो 20 रुपीस में वो बता रहे हैं, पर बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन है इनके पास। तो बीच बीच में आपको वो भी मिल जाएगा, देखिए गोल्डन, फिर मल्टी कलर में चाहिए, ऐसे पर्ल्स में चाहिए तो भी मिल जाएगा, फ्लावर पैटर्न में सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो एक यहाँ पे मुझे दिख गए थे मल्टी कलर का, जो पूरा कच्ची वर्क आता है उसके कड़े थे दोनों हाथ के, तो उन्होंने बोला था 150 रुपये के दो। फिर हम आगे गए तो ऐसे मल्टी कलर में सेट थे जो किसी भी आउटफिट के साथ आप नवरात्रि के बाद भी किसी भी ड्रेस के साथ आप इसको पेयर कर सकते हो। 200 रुपीस इसका प्राइस बता रहे थे, सॉरी 250, जैसे कि स्टिकर लगाया हुआ है उसके ऊपर। ये 200 रुपीस वाले थे, ब्लैक एंड वाइट कॉडी थी और पूरा ऑक्सोडाइज का सेट था। फिर हम जैसे जैसे आगे गए तो आगे मतलब ऐसे ब्रेसलेट की दुकान थी और डांडिया यहाँ पर मिल रहे थे, वो भी बहुत ही कलरफुल थे, अलग अलग कलर में थे, जैसे आपको चाहिए वैसे यहाँ पे आपको पूरा कलेक्शन मिल जाएगा। उसके एग्जैक्टली बाजू में ऐसे चोकर और लंबे सेट का पूरी खड़ी लगी हुई थी। फिर हम देखते हैं छोटे बच्चों के कपड़े कितने क्यूट है ना, चनिया चोली जैसे कि डॉल पे लगाई हुई थी ये, तो एकदम हैवी वाली चनिया चोली भी यहाँ पे मिल जाती है आपको, मतलब सिंपल से लेके हैवी तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाजू में ये स्टॉल था दुपट्टे का, तो वहाँ पे भी बांधनी के अलग अलग मल्टी कलर में जो दुपट्टे आते हैं, फिर ये पाकिस्तानी जो अभी ज़्यादा ट्रेंड में है ये वाले दुपट्टे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। सो आप किसी भी आउटफिट के साथ इसको पेयर कर सकते हो। उसके बाद बाजू में आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चों के लिए केड़िए और चनिया चोली मिल जाएंगी। फिर हम बड़ों के लिए ऐसे फुल फ्लेयर 10 मीटर फ्लेयर वाले घाघरे जिसका वो लोग प्राइस बताते हैं 700-800 फ्री। फिर ऐसे ब्लाउज़ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाजू में एक स्टॉल था जहाँ पे पूरी कोटी मिल रही थी लेडीज़ जेंट्स के लिए, ऐसी कोटी आती है जिसको आप किसी भी वो कुर्ते के ऊपर भी पैर कर सकते हो, बहुत ही एथनिक लुक, बहुत ही कूल लुक देता है आपको, सबके बीच में ऐसे अलग ही आप लगोगे और नवरात्रि के लिए बेस्ट आउटफिट है। मतलब जेंट्स तो ये पहनते ही पहनते हैं पर लड़कियाँ भी अभी इसको किसी भी आउटफिट के साथ पैर कर रही है। उसके बाद बाजू में देखा तो बच्चों के लिए यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी वैरायटी थी। मेरी नज़र ये येलो कलर के चनिया चोली ऊपर पड़ी थी, उन्होंने इसका प्राइस मुझे बताया था 3500 पर वो लोग बार्गेन कर देते हैं, तो ये लेयर वाली थी, नीचे अलग लेयर था स्काई ब्लू कलर का, तो काफ़ी अच्छा वर्क था इसका, कच्ची वर्क प्योर मिरर वर्क में था, 3500 मुझे बताया था। उसके बाद हम देखें तो और भी कलेक्शन था ये आंटी के पास, और दुपट्टे चाहिए तो भी आपको अलग मिल जाएंगे। फिर जैसे कि मैंने आपको आगे बताया ऐसे घाघरे जो 10 मीटर के आते हैं 9 मीटर के आते हैं, पर प्राइस रेंज इनका स्टार्टिंग होता है 600 से, आप अच्छे से बार्गेन करवा सकते हो इनसे। ये कॉटन के हैं, अब हम डिजिटल प्रिंट वाले ये देख रहे हैं, सेम प्राइस रहता है इसका। सो अगर आपको मतलब पूरी पैर नहीं लेनी है और अलग अलग लेके आपको कस्टमाइज़ करवाना है तो आप खुद से कर सकते हो, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ब्लाउज़ भी अलग से मिल जाएगा, दुपट्टा भी अलग से मिल जाएगा। देखिए ये वाइन कलर की चनिया चोली भी बहुत अच्छी थी, रियल मिरर का काम था इसके ऊपर। फिर हम आगे आगे जैसे जाएंगे तो उसमें भी ये फुल फ्लेयर वाले मतलब बहुत सारे पैटर्न्स थे, मतलब दो कलर में, जैसे कि ये दो कलर में है ठीक है, तो ऐसे कलर कॉम्बिनेशन में आपको मिलते रहेंगे। फिर ये मिरर वर्क का पूरा पैच था उसमें था। फिर हमने ये ब्लाउज़ देखा, ब्लाउज़ का वो मुझे कोट कर रहे थे 900 रुपीज़ इसका, कॉडी वाले का 1100 बता रहे थे, तो बस आप बार्गेन करवा सकते हो, बाकी वैरायटी तो आपको यहाँ पे भर भर के मिलेगी। फिर जैसे कि ये लखनवी वर्क अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है कुर्ते में भी और ये चनिया चोली के घाघरे में भी, तो आपको ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। फिर ऐसे गामठी वर्क और कच्ची वर्क जो आता है उसमें चनिया चोली भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर नीचे आपको ऐसे बहुत सारे आंटी बैठे मिलेंगे, वहाँ पर कुर्ती मिल जाएगी लखनवी चिकनकारी वर्क की, सामने ऐसे आपको घाघरे मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्लाउज़ थे जैसे कि आपको 3-4 स्लीव में चाहिए तो भी मिल जाएगा। ऐसे देखिए पफी स्लीव्स जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये स्टाइल ब्लाउज़ की, तो भी मिल जाएगा। ऐसे प्रिंटेड में आपको चनिया चाहिए तो भी आपको वो यहाँ से मिल जाएगा। और इस बार ना ये पाकिस्तानी दुपट्टों का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो हर एक स्टॉल में आपको ऐसे दुपट्टे बहुत सारे मिल जाएंगे, और इसके वो 500-600 बोल रहे हैं, बट आप आराम से 300-400 तक इसको ले सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में भी एक दुपट्टे का स्टॉल अलग से कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें भी मैंने बहुत सारे स्टॉल कवर किए हुए थे। देखिए
फिर हम जैसे जैसे आगे जाते हैं तो ऐसे बांधनी प्रिंट में, ये प्रिंट है पूरी, मल्टी कलर में दुपट्टा मिल जाएगा, यानी कि नीचे अगर प्लेन घाघरा है तो उसके ऊपर आप ऐसे मल्टी कलर का दुपट्टा पैर कर सकते हो, और ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी के साथ इसको आप मस्त अच्छे से पैर करके अलग अलग स्टाइल कर सकते हो। बांधनी, लहरिया, अलग अलग पैटर्न में सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। सो मैं एक बहुत ही अच्छे वाले स्टॉल में आई हूँ, पीछे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे प्यारे चनिया चोली है। तो आप बोल रहे थे कि आप कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते, मैंने इन भैया का कॉन्टैक्ट नंबर लिया है और स्क्रीन पे कहीं डाला हुआ है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो इनके पास वैरायटी होगी वो आपको दिखा देंगे। और अभी बहुत ही क्राउड है, मैं ऊपर ऊपर से आपको एक बार डिज़ाइन दिखा देती हूँ, ठीक है भैया? इसका प्राइस क्या रहेगा? 2500 में पूरा सेट, और बार्गेन हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है? और ये येलो वाला 1800 लास्ट। घेरा कितना आएगा इसका? 9.5 मीटर का घेरा। और भी इनके पास बहुत ही सारी वैरायटी है, जैसे कि अभी आप एक ऊपर पीस देख रहे हो, बहुत ही नया आया है, पैच वर्क और फ्रिल्स के साथ है, सो बहुत ही प्यारा कलेक्शन है। हाँ, लटकन वाले है जी, और ये सारे सेट में ही आएंगे ना अकेले? हाँ हाँ हाँ, ऐसे गांठी वर्क में चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा ऐसा। हाँ, लखनऊ वेयर, जिसको पूरा वर्क वाला नहीं चाहिए, प्लेन वाइट में, तो ये भी ले सकते हैं। सो बहुत सारे पीस अवेलेबल है, कांटेक्ट करना, मैंने कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पे डाला हुआ है, तो आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हो। फिर हम लोग जैसे आगे निकले तो यहाँ पे नीचे बैंगल्स थी कॉडी वाली अलग अलग कलर में, फिर छाती भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे मल्टी कलर में, जो कच्ची वर्क किया हुआ होता है वो। फिर आगे हम जाएंगे तो चनिया चोली दिखेगी अभी तो आपको सब जगह पे, और हर एक स्टॉल पे आपको यूनिक पीस देखने को मिलेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये ब्लैक कलर वाला बहुत पसंद आया था, जिसका ब्लाउज़ देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। इसका वर्क देखिए, सीक्वेंस का गोल्डन सीक्वेंस एकदम बहुत ही चमकीले थे, जो रात को हम नवरात्रि में पहनेंगे तो यूनिक लगेगा। घाघरे में भी बॉर्डर काफ़ी ब्रॉड था। फिर उसके बाद ये वाइन कलर की चनिया चोली और नीचे बॉर्डर वाले जो मिरर वर्क वाले थे वो भी कुछ यूनिक थे। सो ये सब की प्राइस ना 1500 से स्टार्ट हो जाती है, और फिर जैसे जैसे वर्क बढ़ता है तो वो प्राइस आगे कोट करते हैं। पर आपको मतलब यहाँ पे ये मार्केट में मतलब आप आओ तो बार्गेन करवाना अच्छा आना चाहिए, सब सारा गेम उसी के ऊपर ही है। बाकी मतलब क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी और डिज़ाइंस भी आपको अच्छे से अच्छी मिल जाएगी। देखिए ये ब्लैक सीक्वेंस वाला जो है पूरा लखनवी वर्क का, वो भी कुछ यूनिक घाघरा था, मुझे बहुत पसंद आया था। और इसके बाजू में आप देखो तो ये मल्टी कलर वाला आपको दिख रहा है, वो उन्होंने बोला था 2000 का पूरा सेट आएगा। आप देखिए रात में हम ऐसा पहनेंगे और अच्छे से घूमेंगे तो कितना फाइन लगेगा ऐसे चनिया चोली। तो बस ऐसे यहाँ पे तो बहुत सारा वर्क अलग ही था, कुछ कलेक्शन अलग ही था। देखिए ब्लैक में नीचे मल्टी कलर के पैच लगे हुए हैं ये, तो सारे स्टॉल में आपको अलग अलग वर्क वाले डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहो तो अभी आ सकते हो, सुबह के टाइम में विज़िट करना तो आपको भीड़ बहुत ही कम मिलेगी। आप देख सकते हो अभी बहुत ही क्राउड है। तो ये स्टॉल आपको एग्जैक्टली नेशनल हैंडलूम वाली गली के सामने मिल जाएगा। यहाँ पर ब्लाउज़ भी ऐसे अलग अलग आपको लेने हो तो मिल जाएंगे, तो आप अपने आप से मतलब खुद से ही वो स्टाइल करके पैर कर सकते हो, पूरा चनिया चोली बना सकते हो खुद से ही। उसके बाद हम ये लास्ट स्टॉल देख रहे हैं अभी ईयरिंग्स वाला, इनके पास कुछ यूनिक था। देखिए ये सिल्वर है, गोल्ड है, और उसके साथ मल्टी कलर के वो बीड्स लगे हुए थे, फिर ये ब्लैक एंड सिल्वर में था। तो हर एक स्टॉल में मैंने जैसे आपको बताया सब कुछ अलग अलग कलेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आके करना क्या है, पहले तो पूरा घूम लेना है कि कहाँ पर क्या मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा मतलब पता चलेगा कि हाँ कहाँ से क्या चीज़ लेने लायक है। तो ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो।